भाई भाई, क्या तुम्हें पता है कृष्णा और एमी बे दोनों आपस में डिस्ट्रैक्ट निकाल रहे हैं। कौन सा? अभी कुछ दिन पहले आई गेस सॉन्ग आया है कृष्णा का, तो सॉन्ग काफी ज्यादा सही है, तो मैं सोच रहा हूँ आज हम बनाएंगे कृष्णा का आई गेस सॉन्ग। अरे वाह, मजा आएगा डिस्ट्रैक्ट सुनने का। इस वीडियो के अंदर आज हम ब्रेकडाउन नहीं करेंगे, पर मैं सोच रहा हूँ आज उस सॉन्ग के ऊपर खुद मैं म्यूजिक बनाता हूँ, देखता हूँ कितना बना पाता हूँ, कैसा बना पाता हूँ। तो क्या हाल है भाई लोग, मैं हूँ हिमालय, सीधे हिमालय से। म्यूजिक को लेकर अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी या कोई भी डाउट है, या फिर आप करना चाहते हो म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स, सिंपल आप कर सकते हो हमें इंस्टाग्राम पे डीएम, और साथ साथ कर सकते हो मुझे फॉलो भी। तो चलो बढ़ते हैं अब अपने डॉग की तरफ। ओके जी, तो स्वागत है आपका एफएल स्टूडियो में। जिस गाने को आज हम बनाएंगे उसे कर लिया है मैंने पहले से ही डाउनलोड, उसको बनाने से पहले हम सुनेंगे उसको थोड़ा सा। ये बोल रहे क्या, सुनाई नहीं दे रहा, ब्रो मत बोल मेरे को भाई नहीं तेरा, बोला आएगा टाइम नहीं मेरा, टॉप पे बैठा मैं दिखाई नहीं दे रहा, मैं भाई नहीं तेरा, आई कॉट अ वेव मैं हाई नहीं कह रहा। गाना तो काफी ज्यादा सही है, गाने में काफी ज्यादा एनर्जी है, बट मैं आज इसको ब्रेक डाउन नहीं करूंगा। तो मैं सोच रहा था कि मैं इस पे थोड़ा सा अपने स्टाइल से म्यूजिक बनाता हूँ, तो मैंने इस सॉन्ग से एकापेला एक्सट्रैक्ट कर लिया है। ये बोल रहे क्या, सुनाई नहीं दे रहा, ब्रो मत बोल मेरे को भाई नहीं दे रहा, बोला आएगा टाइम नहीं मेरा, टॉप पे बैठा मैं दिखाई नहीं दे रहा। ओके, तो इस गाने को बनाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस गाने का जो टेम्पो है वो है 138, और जो इस गाने का स्केल है वो है डी शार्प माइनर। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसको रिदम सेक्शन से। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले ड्रम पैटर्न बनाऊंगा। ये बोल रहे क्या, सुनाई नहीं दे रहा, ब्रो मत बोल मेरे को भाई नहीं तेरा, बोला आएगा टाइम नहीं मेरा, टॉप पे बैठा मैं दिखाई नहीं दे रहा, मैं भाई नहीं तेरा, आई कॉट अ वेव मैं हाई नहीं कह रहा। ओके, तो मैंने यहाँ पर किक और स्नेर का पैटर्न बना लिया। नेक्स्ट मैं इसके अंदर ऐड करूंगा प्रकर्शन साउंड। इस रिदम के अंदर थोड़ा सा ग्रूव भरने के लिए मैं कर रहा हूँ यहाँ पर प्रकर्शन साउंड का यूज। मैंने यहाँ पर एक क्रैश साउंड का यूज किया है। बोल रहे क्या, सुनाई नहीं दे रहा, ब्रो मत बोल मेरे को भाई नहीं तेरा, बोला आएगा टाइम नहीं मेरा, टॉप पे बैठा मैं दिखाई नहीं दे रहा। ओके, तो क्रैश साउंड के बाद मैं यहाँ पर करूंगा हाई हैट्स का यूज। ओके, तो रिदम काफी ज्यादा सही लग रही है। इसके बाद नेक्स्ट मैं इसके अंदर ऐड करूंगा 808 का साउंड। मैंने यहां पर 808 के लिए सैंपल का ही यूज किया है, मैंने कोई पैनर रोल के अंदर कोई पैटर्न नहीं बनाया, मैं डायरेक्ट यहां पर 808 सैंपल को ऐड कर रहा हूं। नोट वाइज ये सब नोट अलग अलग है, पर सुनने में काफी ज्यादा सही लग रहा है इस तरह से भी। ओके, तो ड्रम्स में सिर्फ मैं इतने ही एलिमेंट का यूज करूंगा, हमारी रिदम काफी ज्यादा सही लग रही है। अगर अभी तक आपने ये वीडियो लाइक नहीं किया तो जल्दी से आप कर दो इसे लाइक। अगर आप इस वीडियो पे कर दो 500 लाइक और 500 कमेंट तो मैं आपको ये FLP दे दूंगा बिल्कुल फ्री में। तो मैं सोच रहा हूँ मेलोडी के अंदर इन्होंने अपने गानों के अंदर किया था सैक्सोफोन और गिटार का यूज, तो मैं भी सैक्सोफोन और गिटार का ही यूज करूंगा अपनी मेलोडी के अंदर। मैं यहाँ पर सैक्सोफोन के लिए एक सैंपल का यूज कर रहा हूँ, जिसको करूंगा मैं सैंपल। ओके, तो ये काफी ज्यादा सही लग रहा है सैक्सोफोन। इसके बाद मैं नेक्स्ट इसके अंदर ऐड करूंगा गिटार का साउंड, ठीक है, उसको भी मैं सैंपल ही करूंगा। किसी गिटार लूप को ढूंढता हूँ और जल्दी से उसको करता हूँ सैंपल। तो मैं इस वाले गिटार साउंड का यूज करूंगा अपने गाने के अंदर। वाओ, एक गिटार साउंड काफी ज्यादा सही लग रहा है। ओके, तो नेक्स्ट मैं इसके अंदर ऐड करूंगा कुछ इफेक्ट साउंड। ये मैंने बहुत ही जल्दी बना दिया, सिर्फ आधे घंटे के अंदर ही बना दिया ये गाना। ऑलमोस्ट हमारा गाना बनके हो चुका है कंप्लीट, मैं इसमें इतने ही एलिमेंट का यूज करूंगा। चलो सुनते हैं एक बार हमने क्या बनाया। तो सुनाने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप करना चाहते हो म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स तो सिंपल आप कर सकते हो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम, और साथ साथ कर सकते हो फॉलो भी। तो चलो सुनते हैं एक बार। ये बोल
रहे क्या सुनाई नहीं दे रहा ब्रो मत बोल मेरे को भाई नहीं तेरा बोला आएगा टाइम नहीं मेरा टॉप पे बैठा मैं दिखाई नहीं दे रहा मैं भाई नहीं तेरा आई गॉट अ वे मैं हाई नहीं तेरा बोला आएगा टाइम नहीं मेरा मांग रहे टाइम मैं रिप्लाई नहीं तेरा जब पूछे या कौन है बेस्ट इट्स मी आई गेस जब पूछे या ऑब्सक्यूज गेस इट्स मी आई गेस जब पूछे या कौन है बेस्ट इट्स मी आई गेस जब पूछे या ऑब्सक्यूज गेस इट्स मी आई गेस मुझे याद है वो दिन जब मैं और मेरे डे वन से ऑन द पेवमेंट ट्राइंग टू गेट पेमेंट्स कभी छोड़ के गए नहीं गेम अब ना दे वो हेटर्स जस्ट टू गेट फेमस इनके गाने नहीं चले दे ब्लेम अस जैसे खुद ला जा के फेमस मांगी नहीं है नो फेवर्स आज हम तेरस फॉर अ न्यू स्केलर्स अचानक से बने ये लिरिकल कुछ साल पहले कमर्शियल थे माइक पर आई कैन रैप सर्कल्स अराउंड दीस क्लाउंस पर करता नहीं रैप इन साइफर्स ये टच है माइडस दिल की वाइब पर गॉट फॉर मोर देन लाइफर्स इन्हें लग रहा है ये पैसा कमा रहे हैं बहुत आई होप आपको इस वीडियो को देखकर कुछ सीखने को मिला होगा अगर आपको ये वीडियो आ गई है पसंद तो जल्दी से आप कर दे इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना ऐसी और भी वीडियो देखना चाहते हो तो आप कर सकते हो हमारे इस चैनल को चेक तो चलो मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ तब तक बाय जब पूछे या कौन है बेस्ट